नर्मदे हर। माँ नर्मदा की कृपा से, माँ नर्मदा की आशीर्वाद से हमारी नर्मदा परिक्रमा की यात्रा सफल संपन्न रही। बहुत अच्छा लगा। वहाँ से आने के बाद में हमने वीडियो एडिट किए और जब हमने यूट्यूब पर वीडियो डाले तो काफ़ी लोगों के कॉल मुझे आए, काफ़ी लोगों के मैसेज मुझे आए और मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे कॉल किया, मैसेज किया। इसके अंदर मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहता हूँ कि जिन्होंने विशेष इस नर्मदा परिक्रमा के बारे में पूछा, नर्मदा परिक्रमा के बारे में जानना चाहा। काफ़ी लोगों ने खुद भी नर्मदा परिक्रमा की है तो उन्हें ऑलरेडी पता था, तो उनके भी कुछ एक्सपीरियंस मुझे सुनने में मिले, उन लोगों का अनुभव भी मुझे प्राप्त हुआ और इन सब लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले मुझे एक फ़ोन आया था लोनी, श्रीगोंदा तालुका से एक मैया ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने भी परिक्रमा की थी और उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके अनुभव सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद बोरीवली से रेशमा कदम मैडम, बात करके एक अटैचमेंट ऐसा लगा कि नर्मदा परिक्रमा करने वाला हर व्यक्ति एक अपना एक अलग अटैचमेंट होता है उसके अंदर। कदम मैडम से बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अलीबाग से एक फ़ोन आया था रमेश हिंगड़े, विशेष करके बीच में वो उनको कोरोना की ट्रीटमेंट भी चल रही थी और अभी वो स्वस्थ है, माँ मैया की कृपा से अभी स्वस्थ है। हम उनकी स्वस्थ आयु की और लंबे आयु की कामना करते हैं। रमेश जी आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, रेशमा मैडम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा अहमदाबाद से सोनी जी का एक फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि मुझे भी परिक्रमा करना है और वो वैसे नर्मदा तट के किनारे ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं वहीं पर सिनोर, वहाँ पर एक नर्मदा तट पर आता है, वहाँ के वो रहने वाले हैं और उनसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक रतलाम से फ़ोन आया था बबलू सिंह, तो उनसे बात करके तो मैं सच में कह रहा हूँ मैं गदगद हो गया। वो कह रहे थे कि मेरी कई दिनों से इच्छा है कि मैं नर्मदा जी की परिक्रमा करूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी परिक्रमा के मैंने वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी परिक्रमा के लिए निकल जाऊं। जो सही में परिक्रमा करना चाहते हैं तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि हर किसी ने परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके पास में 15 दिन का समय है तो मेरी विनती है कि कृपया हिल स्टेशन पर मत जाइए, 15 दिन सिर्फ मैया के किनारे रहिए, 15 दिन मैया की परिक्रमा करिए और फिर देखिए आपको कैसे आनंद आता है। इसी प्रकार मनमाड़ के पास में एक नंदगांव है, वहाँ से सुदाम भाई का एक फ़ोन आया था, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की, कई बातें उनसे शेयर की। फिर गणेश बावले नाम के एक सज्जन है, वो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं, मैसेज करते हैं, उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ईश्वर जी सांकला है, वसुधा जी जगताप है और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कामेया बोल के है बॉम्बे से, उनका भी फ़ोन आया था। तो कई लोगों के, आप लोगों के फ़ोन मुझे आए, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, नर्मदा की बात करके अच्छा लगा और आपसे बस यही विनती है कि हम इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंसिस्ट करें कि मैया की परिक्रमा करिए और फिर जीवन का आनंद लीजिए। आप किसी को भी अगर नर्मदा परिक्रमा के बारे में, बाय रोड, मैंने पैदल परिक्रमा नहीं की है, बाय रोड की है, बाय कार की है, तो बाय कार नर्मदा परिक्रमा करने के लिए अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की अगर कोई डाउट है, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और बस आप सब लोगों का साथ हमेशा बना रहे, आप सब लोगों का प्रेम और आशीर्वाद यूं ही बना रहे, यही मंगल कामना करता हूँ। नर्मदे हर।